समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। तो सस्ता ही है अभी के लिए, बाइक पसंद आई हुई है, ये पूरा वेल्डिंग का काम है, इन्होंने खुद बनाया है अपने हाथों से। गाइस कुछ गोलियों पे एक ट्राई करके देखते हैं कैसे है। सो मैं 100 वाला ले रहा हूँ, यहाँ पे फिल कर रहे हैं। हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एक्टर व्लॉग, दिस इज आरिफ अख्तर। कैसे हो मेरे भाई और उनकी बहनों, आई होप सब अच्छे हो। स्वागत है गाइस एक और व्लॉग में। अभी अभी हम लोग शूट का व्लॉग एंड करके हटे हैं, तो मैंने सोचा यहाँ का भी व्लॉग शूट कर लेता हूँ। हमारे साथ भाई भी है, कैसे हो ब्रो? हेलो गाइस। और अभी के लिए फिलहाल हम लोग दही वाले गोलगप्पे खा रहे हैं गाइस। यहाँ जैसे हम लोग जू से निकले थे ना, वैसे यहाँ पे एंड यहाँ हवा चल रही है, मतलब धूल मिट्टी है, मौसम थोड़ा अजीब सा हो रहा है और बढ़िया हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और यहाँ से दही वाले गोलगप्पे करवाए हैं हमने अपने लिए, तो यहाँ से ट्राई करते हैं कैसे होते हैं, कैसे नहीं भैया बना रहे हैं। लाइक वहाँ भी दही वाले गोलगप्पे मिलते हैं ना, यहाँ थोड़े अलग मिलते हैं, तो ट्राई करके देखते हैं। से हैं गाइस कुछ गोलगप्पे, एक ट्राई करके देखते हैं कैसे है। टेस्टी है गाइस, मतलब हरियाणा से बहुत अलग है यहाँ। तो चलो मैं घर जाके मिलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, इसे खा के घर के लिए निकलते हैं। फोन तो चार्ज हो चुका है एंड बारिश हुई थी गाइस यहाँ भी बहुत तगड़े वाली, तो पूरा मौसम ठंडा हो रखा है एंड काफी सही मौसम हो रखा है। लाइट ही नहीं है ना, तो 50% ही हुआ चार्ज, पर काफी है 50% भी। भाई अभी शाम के 6:26 हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं चार मीनार साइड, वहीं अपना घूम के आएंगे गाइस। और शूज पहन लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई निकल चुके हैं हम एंड बारिश हुई थी ना, तो पीछे रोड थोड़ा ख़राब था, यहाँ तो सूखा सूखा ही है। एंड गाइस अभी शाम के 6:45 हो चुके हैं, मतलब 6:44, तो 7 बज चुके हैं एंड अंधेरा हो चुका है, तो चार मीनार का अच्छा ही व्यू आएगा। ये वही एकेडमी है पुलिस वाली, ये देख लो आप लोग, ये पुलिस की एकेडमी है। एंड ये जितने भी पुलिस के एकेडमी होती है ना, मतलब जो ट्रेनिंग होती है वो सारी यही होती है, मतलब हैदराबाद में सबसे बड़ा पुलिस एकेडमी है। जैसे रोड तो सूखी हुई है पर यहाँ पे ये सब गिल्ला है, बहुत तेज बारिश हुई थी आज। पीछे एम्बुलेंस आ रही है और अगर आप लोग साइड नहीं दोगे ना, तो हैदराबाद में 12,000 रुपए का चलान है अगर आप लोग साइड नहीं दोगे एम्बुलेंस को। भाई देखो सारों ने साइड दे दी है, अगर आप लोग साइड नहीं दोगे चलान की जगह जेल भी हो सकती है। तो भाई देख लेना कि चलान करवाने हैं या जेल में जाना है। ऊट ऊट की सवारी करेंगे। आ चुके हैं गाइस हम लोग चार मीनार सामने है, पर आज इन्होंने लाइट नहीं जला रखी, चलो देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो भाई उधर पार्किंग में एक्टिवा पार्क कर दिया है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं चार मीनार। इधर साइड पूरी मार्केट है गाइस लेडीज के लिए, मैं सोच रहा हूँ घर वालों के लिए कुछ ले लूँ, लाइक मम्मी के लिए चूड़ियाँ ले लूँ, बहन के लिए भी कुछ ले लूँ एंड ब्रदर के लिए भी ले लूँ। तो देखते हैं वो जैसे भी होगा, अभी अंदर चल के देखेंगे, अगर कुछ बढ़िया से मिला तो परचेज करेंगे। गाइस एक ये चश्मा ले रहा हूँ मैं, चश्मा मैंने 100 रुपीज़ का लिया, 100 रुपए में बढ़िया मिल गया भाई। सो गाइस पापा यहाँ से मम्मी के लिए चूड़ियाँ ले रहे हैं। हेलो पापा। हेलो गाइस, ये पापा के फ्रेंड्स है अंकल। हेलो, ये जसीम अंकल और यहाँ काशिफ भाई भी हैं। पापा चूड़ियाँ ले रहे हैं मम्मी के लिए। लाइट्स नहीं ऑन कर रखी गाइस यहाँ की, लाइट्स ऑन होती ना और प्यारा लगता है, वैसे है तो प्यारा गाइस। यहाँ गाइस ज्यादा लेडीज का ही है, मतलब 70% लेडीज का है एंड 30% बॉयज का है। एंड इधर लैगेजेस वगैरह भी हैं सस्ते प्राइजेस में। एंड ये देखो ये डेकोरेशंस का सारा सामान है। मेरे को ना लाइक इसका चार मीनार का एक स्ट्रक्चर लेना है, तो ढूंढते हैं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। यहाँ पे काफी बैग्स भी हैं, फिक्स्ड रेट 200 रुपए में भाई पर्स। यही ले लू क्या घर वालों के लिए? लास्ट में लेंगे यार, जाते जाते सामान ज्यादा हो जाता। सो गाइस एक ये ले रहा हूँ मैं, टेबल पे रख देंगे 150 रुपीज़ का। टेबल पे रखते हैं, 100 पीस है। हाँ 100 पीस है एंड इसमें स्पून वगैरह रख दो टेबल पे रख के, तो काफी सही लग रहा है मुझे। तो एक ये ले लेते हैं, 180 का है, अंकल ने 150 में दिया, कर दो इसे अंकल पैक। एक ये लिया है गाइस, की रिंग है ये, सिस्टर के लिए ले रहा हूँ, इस पे नाम लिखा जाता है तो नाम लिखवाते हैं। ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है, कैमरा में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा पर बहुत प्यारा लग रहा है। एंड ये बना 120 में विद नेम। इधर भी भाई लोग बहुत बड़ी मार्केट है। एंड अभी पता क्या सीन हुआ गाइस, वो चीज देख रहा था, उसने 300 रुपए बोला और लाइक मैंने उसे कहा 150 में दे दो, वो मान गया
मतलब उसे अगर मैं कहता ना 100 तो 100 रुपए में भी दे देता। इधर देखते हैं गाइस वॉचेस, कोई सी पसंद आती है तो देखते हैं। यहाँ पे ना सब चीज के स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो मेरे को चार मीनार का लेना है, तो इनसे पूछते हैं है या नहीं। तो ऐसे है इधर से कुछ चार मीनार, काफी प्यारा लग रहा है। एंड इसी का स्ट्रक्चर ढूंढ रहा हूँ मैं, तो उन्होंने शॉप वालों ने कहा था कि आगे कोई जाके चूड़ी बाजार है तो उसमें जाके पता करते हैं। ये पूरा चूड़ी बाजार है गाइज, मतलब इधर सिर्फ और सिर्फ आप लोग को चूड़िया ही मिलेंगी। सो गाइज एक चार मीनार का स्ट्रक्चर लिया है, व्हाइट कलर, इसमें सिल्वर भी है गोल्डन भी है, तो इसमें से ये वाला लिया है। ये काफी बढ़िया लग रहा है, इसमें विदाउट फ्रेम भी है बट फ्रेम के साथ ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो ये वाला लिया है भाई। जो भी चार मीनार का स्ट्रक्चर लिया है उन्होंने बोला था 450, पर हमने लिया है 300 रुपये में। लास्ट वो 350 बोल रहे थे, मैंने कहा 300 काट लोगे, तो 300 रुपये में मिला है। तो भाई अगर आप लोग यहाँ हो ना तो जितना हो सके उतना डिस्काउंट करवाना भाई, मतलब ये दे देंगे आप लोग को सस्ते में। अभी के लिए ये बाइक पसंद आई हुई, ये पूरा वेल्डिंग का काम है, इन्होंने खुद बनाया अपने हाथों से, तो एक ये ले रहे हैं बाइक 250, ठीक है। ये कितने का है? 80 रुपये का। 300 में दोनों दे दो। अरे हो जाएगा, कितने का दोगे वो भाई? 350 में आएंगे भाई। ये 350 रुपये का मारो भाई, 350 में दोनों दे दो, 350 में दोनों दे दो, ठीक है अंकल। ये लो। तो भाई अभी आप लोगों ने देखा मैंने कैसे बार्गेन करके लिया, लाइक जो बाइक थी वो 400 रुपए की थी, एंड वो जो ग्लोव था वो 80 रुपीज का था, और वो दोनों मैंने लिया 350 रुपीज में। तो भाई सोच लो आप लोग काफी फर्क है, मैं और बार्गेन कर सकता था पर मैंने नहीं किया क्योंकि बुजुर्ग आदमी थे तो उनके पास भी कुछ बचता नहीं, इसलिए मैंने दोनों ले लिया 350 रुपीज में। काफी सही है गाइज, दोनों शोकेस आइटम के लिए बेस्ट है गाइज। यहाँ पे अंकल हैं, अगर आप लोग आओ तो इनसे ले सकते हो, यहाँ पे सारे बस सिर्फ 10 रुपए का है भाई लोग, अगर आप लोग आओ तो भैया से जरूर मिल के जाना। तो देखे गए सर, ये मेरा चॉइस है। अभी अख्तर भाई इसको ये मम्मी के लिए समझ नहीं पा रहे हैं क्या है, तो सस्ता ही है तो ये मम्मी के लिए ले रहे हैं भैया से ही। और भैया देखो टॉप्स में दूं, टॉप्स देखे गाइस, ये भी अच्छा रहेगा, काफी कुछ है यार, 10 रुपए के हिसाब से काफी सही है, वर्थ इट है। और ये मेरे को काफी बढ़िया लगा, मम्मी खुश हो जाएगी। ये कह रहे क्या कहो भाई? भाई अभी मैं यहाँ से जा रहा था तो ये भाई ने कहा ये ले लो, मैं कहा मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, फिर भाई ने क्या कहा तुम्हारे बच्चे का भाई, भाई मैं 17 साल का हूँ यार, अभी 10-15 साल हैं यार, तुम मेरे को अभी से ही शादीशुदा बनाते क्या यार। भाई 17 साल का हूँ गाइस मैं, और कह रहे अपने बच्चों के ले लो क्या यार। गाइस यहाँ पे इत्र है, एंड इन्होंने मेरे को दो इत्र दिखाए, एक यहाँ पे लगा हुआ है एक यहाँ पे, तो मुझे इधर वाला पसंद आया, बिल्कुल लाइट है एंड बहुत बढ़िया है। कौन सा इत्र था वो? ये मिसफिट है। नहीं नहीं, जो लाइट वाला था फ्रेश है, जो लाइट वाला ये वाला फ्रेश फ्रेश वो वाला कर दो 50 का। ओके, मतलब इस वाले ये वाला है 50 वाले, ये 50 वाला है, इतना 200 है, तो सबसे छोटे वाला दे दो। सो मैं 100 वाला ले रहा हूँ, यहाँ पे फिल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया इत्र है, लाइट वेट है पूरा। 100 बताया था मैंने, 70 में लिया, सही है भाई। वीडियो की वजह से 70 में मिला है। वीडियो की वजह से 70 में मिली, भैया को लोग में ले लेते ना उन्हें, तो सही है गाइज। भाई बारिश आ रही है, ये पंगा लग रहा है यार। फिलहाल के लिए इधर भी काफी मार्केट है ये देखो, तो इधर घूमते हैं क्या क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। चार मीनार के इधर से कुछ ऐसा व्यू है, शूज मार्केट भी है, तो आप लोग शूज भी ले सकते हो यहाँ से, मतलब हर एक आइटम मिलेगा आप लोग को बहुत सस्ते में, और अगर आप लोग बार्गेन करोगे और सस्ता हो जाएगा। जैसे मैंने इतना सारा सामान ले लिया बार्गेन कर करके, आई थिंक 1000 का भी नहीं हुआ होगा ना अभी तो। नहीं, 1000 का भी नहीं हुआ होगा। घर जाके ना मैं आप लोग को सब चीज का प्राइस बताऊंगा एंड टोटल बताऊंगा कितना लगा हमारा। ये गाइस इतनी सारी चूड़ियां पापा ने मम्मी और बहन के लिए ली है, तो सही है। सो गाइस अभी निकल रहे हैं, सारा सामान एक्टिव में रख दिया, एक यहाँ है और एक हाथ में पकड़ना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल गाइज हम लोग शदाब होटल जा रहे हैं, यहाँ का बहुत फेमस होटल है, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग दोनों, तो एक्सप्रेस से जा रहे हैं। पापा वो लोग अपना पैदल आएंगे, बिकॉज वो लोग कैब से आए थे, तो इसलिए वो लोग अपना पैदल आएंगे, वहीं से कैब करके घर चले जाएंगे, और भाई और मैं अपना चले जाएंगे खा पी के, मतलब वो भी पहुँच रहे हैं यहाँ से, हम लोग भी चलते हैं एक्सप्रेस से। शदाब होटल मिल गया हमें आधे 1.5 घंटे बाद, गूगल मैप्स ने चला दिया था, नहीं छोटी छोटी गलियों से घूम के आ रहे हैं हम, तो मिल चुका है शदाब होटल फाइनली। भाई ऊपर एसी है एंड ये पूरा फुल है, आधे घंटे बाद खाली होगा, तो हम लोग नीचे बैठ रहे हैं। भाई ये एसी वाले में तो वेटिंग था एंड नीचे थोड़ा अनहाइजीनिक टाइप सा था, तो हम लोगों ने यहाँ से पैक करा लिया, अपना मस्त घर जाके खा लेंगे। तो
भाई अभी हम लोग घर आ चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं और हम लोग फेमस सदाब की चिकन बिरयानी लाए हैं पैक करवा के। तो भाई इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। और गाइस कल हमारी सुबह सुबह फ्लाइट है, वो भी दिखाऊंगा आप लोग को, उसकी एक स्टोरी है सुबह बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को मिलेंगे, यही एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। अगर सब अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, दिस इज आरिफ अख्तर साइनिंग आउट। बाय बाय गाइस।